Vipul Kaushik, stock market trader, trainer and mentor is back with his masterclasses. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं तो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस होने वाली है। गाइस, हम डेली किसी भी टाइम रैंडम लाइव सेशन कर लेते हैं, दिन में, सुबह, दोपहर को, कभी मिल जाते हैं। अक्सर 9:06 पे तो लाइव सेशन हमारा होता ही, और जिस दिन लाइव सेशन नहीं होता उस दिन मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ। जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो कल के बाजार को देखने समझने के लिए है कि कल बाजार में कैसे ट्रेड किया जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस कैसे किया जाए, उसको कैसे समझा जाए, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में कल काम किया जा सकता है। इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स आपके लिए कवर करने की कोशिश करूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, और अगर चैनल पसंद आता है, वीडियोज पसंद आते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं, एक एक कमेंट को पर्सनली मैं पढ़ता हूँ, उस पर अपने रिएक्शंस देने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो मेरे इमोजीज हों, चाहे आप मेरे रिप्लाईज हों। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल को मैं देखते हुए उसके ऊपर वीडियो बनाने की भी कोशिश करता हूँ, तो अपने कमेंट जरूर देखिएगा। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक टिप प्रोवाइडर के साथ जो बातचीत की थी उसको मैंने आपके लिए डाला था, और वो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। आप उस वीडियो को जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं गाइस, और समझ सकते हैं कि कैसे इन टिप प्रोवाइडर से आप भी बच सकते हैं। देखिए, ये वीडियो है, इसको आप जाके जरूर देखिएगा, और लाइव सेशन हमारे होते रहते हैं, इनको आते हैं, मजा आता है, थैंक यू सो मच। और कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे, जैसे मैंने कहा था, कि लगातार लाइव मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं बाजार में आज हुआ क्या। निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो निफ्टी फ्लैट बंद हुई। मॉर्निंग में मैंने एक गुड मॉर्निंग मैसेज आपको डाला था, खाली 16 सेकंड का मैसेज था कि बाजार गलत नहीं होता, हमारी पोजीशंस गलत होती है, हमारी एंट्री एग्जिट गलत होती है। गाइस, अच्छे स्टॉक का चयन कीजिए, अच्छे स्टॉक को स्टडी कीजिए, फिर बाजार में ट्रेड लीजिए। आपका ट्रेड कभी भी गलत नहीं होगा, आपकी एंट्री करेक्ट होनी चाहिए, सोच समझ के एंट्री कीजिए। बाजार में सिर्फ ट्रेड करने के लिए ट्रेड क्यों करना है, पैसा कमाने के लिए ट्रेड करना है, बाजार में पैसा बनाना है इसलिए इन्वेस्ट करना है, इसीलिए बाजार में एंट्री करनी है। तो देखते हैं बाजार में आज क्या हुआ। निफ्टी 15,812 के आसपास बंद हुई है, 0.76% ऊपर है, 119 पॉइंट ऊपर रही, और निफ्टी नेक्स्ट आज गिरी है 75 पॉइंट्स के आसपास में। निफ्टी मिड कैप को अगर देखा जाए तो 76 पॉइंट्स के आसपास में गिरा, और निफ्टी बैंक 474 पॉइंट के आसपास गिरी है। मेरा पूरा अनुमान था कि 35,700 के आसपास बैंक निफ्टी चली जाएगी, वो चली गई है 1.5% के आसपास, बैंक निफ्टी चली है 1.35% के आसपास में क्लोजिंग हुई है, पॉजिटिव क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग हुई है। 16,852 चली है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो 246% के आसपास गिरी। आज के बढ़ने वाले शेयर रहे ICICI बैंक, जिसने निफ्टी को बढ़ाया, 2.75% बढ़ के बंद हुआ। ग्रासिम 2.66% बढ़ के बंद हुआ। HDFC, एक्सिस बैंक, SBI लाइफ, ये टॉप 5 शेयर्स रहे जो आज बाजार में ग्रीन दिखाई दिए, 2% से ऊपर की जिनमें चला ये। और उससे गिरने वाले स्टॉक्स है अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डी, HCL टेक, टाटा कंज्यूमर, एनटेक महिंद्रा, ये स्टॉक्स गिरने वाले रहे, जो ऑलमोस्ट 1% के आसपास गए। सबसे ज्यादा गिरा है अदानी पोर्ट्स। तो अब बाजार में देखते हैं कि हुआ क्या, निफ्टी ने कैसे बिहेव किया, कैसी चाल रही। 15,833 पे फ्यूचर निफ्टी बंद हुई है, 812 के आसपास में फ्यूचर स्टॉक स्पॉट निफ्टी बंद हुई है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, लगातार लाइव सेशंस में आपको कह रहा हूँ कि निफ्टी का जो मेजर लेवल बन रहा है वो बन रहा है, जो सपोर्ट बन रहा है वो हमारा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, वो 650 के आसपास का सपोर्ट है, यही सपोर्ट हमारा बरकरार है, अभी भी सपोर्ट को निफ्टी मेंटेन कर रही है। तो जब तक बाजार में 650 के नीचे में सेलिंग नहीं आती, आपको सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। आप बाजार में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बाजार यहां पे क्या कर रहा है, बाजार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर बाजार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो अगर वैसे पैटर्न को देखा जाए तो बेसिकली जो हाईज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पर लो यहां पे मेंटेन्ड है, लो को मेंटेन किया जा रहा है, हाईज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, बाजार में हो सकता है एक कंसोलिडेशन हो, एक अगर वॉल्यूम्स को देखा जाए तो वॉल्यूम्स ठीक है, वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम ग्रीन वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रही है, ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम्स दिखाई दे रही हैं, और बढ़ती हुई राइजिंग वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बुकिंग भी हालांकि आ जाती है, बट वहीं के वहीं आपको एक अच्छी खासी बाइंग भी देखने को बाजार में नीचे के स्तर पर दिख रही है। तो 15,650 के आसपास का जो लेवल है, 625-650 के आसपास में, वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर का काम कर रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट आना है वो मैं आपको बार बार से कह रहा हूँ कि 15,876 का जो लेवल है, 880 के आसपास का लेवल है, ये मेरा ब्रेकआउट का जोन होगा। जब निफ्टी इसके ऊपर निकलेगी तो एक गैप से बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है और हम 16,000 की उम्मीद लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं वो बड़े प्यार से 16,000 के लेवल मेरे दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए 15,876 क्रॉस होता है तो 16,000 के लेवल और 16,000 के बाद के जो लेवल 16,150-16,200 तक के लेवल बाजार में आ सकते हैं।
मैंने पहले भी जिक्र किया है दोस्तों, अगर बाजार को गिराना है तो पहले लोगों को पॉजिटिव करना होगा, पूरी दुनिया को एकदम ईज कर देना होगा, ईज में बैठा देना होगा, लोगों को लगेगा कि अब बाजार में कुछ नहीं होने वाला है, तब बाजार में सुगबुगाहट होगी, तब बाजार में गिरने की शुरुआत हो सकती है। अभी बाजार में 4 बजे के आसपास इस वीडियो को बना रहा हूं तो FIDI डेटा नहीं है, बट ऑफकोर्स FIDI डेटा पॉजिटिव ही होगा, इसी वजह से ही बाजार में आज तेजी देखने को मिली है। पूरे दिन का अगर हालचाल देखने की कोशिश करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाजार को देखें तो क्या रहा, चलिए सभी टूल्स को एक बार हटा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। पूरे दिन बाजार में ये आज 13 जुलाई रही, 13 जुलाई की अगर हम बाजार के खुलने की बात करें तो आज का जो बाजार था एक ऊपर ही खुला, मैंने आपको कहा था 100 पॉइंट के आसपास बाजार ऊपर खुलेगा, ऊपर खुला, थोड़ा सा एक सपोर्ट नीचे की तरफ 760 की तरफ आया, यहाँ तक बाजार ने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में बाजार ने एक पूरी रैली दी है, ठीक है। अब अगर हम इस सपोर्ट को देखने की कोशिश करें कि हम देखिए, आप मेरी वेबसाइट पर अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो stockspathshala.com पर जाइए, आप यहां पे साइन अप कर सकते हैं, साइन अप करने के बाद में अपना पूरा डिटेल लॉगिन करने के बाद में आप हमारी टीम को ये मैसेज कर सकते हैं कि आपने इस वेबसाइट पे अपना लॉगिन बना लिया है, और यहां पे नाउ पे जाके अगर आप इस ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का यूज करना चाहते हैं तो आपकी ईमेल आईडी, आपकी जो आईडी होगी उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, फिर वहां पे आप ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही मिरेकल कैलकुलेशंस इसकी होती है, मेरे लाइव सेशंस में हमेशा मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो कल की अगर क्लोजिंग को पकड़ के देखें, कल की क्लोजिंग क्या हुई थी, 15,708 के आसपास की कल की क्लोजिंग थी, ठीक है। तो 15,708 के आसपास में यहाँ पे हम क्लियर थे कि भाई क्या होगा, मैंने कहा था 650 का लेवल है जो नहीं टूटना चाहिए, 650 के आसपास में, हमेशा से मैं आपको कहता हूँ 15, 16, 25 का मेजर ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकडाउन लेवल है, इसके नीचे ही हम सेलिंग करने वाले हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। ऊपर में फर्स्ट हर्डल 750 था और उसके ऊपर में मैंने आपको कहा था क्लियरली 876 तक तो बाजार चला ही जाना चाहिए। तो आज के हाई को देखने की कोशिश करें कि आज बाजार का हाई रहा क्या, आज बाजार का हाई रहा गाइस 841 के आसपास में, तो 860 तो नहीं हुआ बट 840 के आसपास चला गया। मैंने कितना क्लियरली आपको लाइव सेशंस में कहा है कि 750 के बाद झटके से बाजार 150 पॉइंट की आपको एक चाल दे देगा, आप इसको समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और इसकी जो फीस है, फीस बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल फीस है। अगर आप पेनाओ पे जाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एक महीने का ट्रायल अगर करना चाहते हैं तो 3,540 रुपये, साल का ट्रायल अगर आप करना चाहते हैं तो 11,800 रुपये, जो साल से 800 रुपये महीने की आपकी फीस बनती है, बहुत ही कम है, किसी लॉस से अच्छा है एक टूल आपके पास हो। और ये मेरी स्टॉक डिलीवरी सर्विस है जहाँ पे मैं आपको हर महीने 3 स्टॉक्स डिलीवरी बेस्ड फाइंड आउट करके देता हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन रहती है, इसका भी फीस बिल्कुल सेम है। और जो मेरी क्लासेस लेते हैं जो लोग, उनको ये दोनों सर्विसेज अब एक साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलती है। जितने भी नए लोग आने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स नए होने वाले हैं, उनको दोनों सर्विस मिलने वाली है। कोई स्टूडेंट पुराना क्लास को रिपीट करेगा उसको भी मैं दोनों सर्विस फ्री में देने वाला हूं। तो मेरे स्टूडेंट्स को बेसिकली जो आप पे कर रहे हैं ये आपको पूरी वैल्यू वहां पे मिल ही जाने वाली है। तो ये तो रहा निफ्टी का लेवल। अब निफ्टी में मेरा जो सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट मेरा यहाँ पे आज का जो सपोर्ट बन गया है, अब निफ्टी की आज की क्लोजिंग अगर पढ़ के चलें, 15,840 के आसपास की क्लोजिंग को अगर पकड़ लें तो यहाँ पे 876 का मैंने पहले भी कहा था ये अब मेजर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जैसे ही पार होगा आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 16,000 के आसपास। मैं हर बार कह रहा हूँ 16,000 का एक झटके से लेवल टच होगा, पुराने स्टॉप लॉसेज कटेंगे लोगों के 16,000 के आसपास में। यहाँ पे बाजार गिरेगा, मंदी की शुरुआत होगी 625 के नीचे, उसके पहले आप बाजार में बॉटम पे बाय करके ऊपर में सेल करने की एक स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो फॉर निफ्टी। चलिए देखते हैं कि ये बैंक निफ्टी को हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। ये तो रहा निफ्टी का हाल। बैंक निफ्टी 35,744 गाइस, जो लोग लाइव सेशन में डेली आते हैं उनको बड़े अच्छे से मालूम है मैं क्या कह रहा हूं। पुराने सेशंस को आप रिपीट कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। और गाइस मैं ये जो चार्ट यूज कर रहा हूँ ये ज़ीरोधा का चार्ट है, ज़ीरोधा का चार्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ही इजी है, इजी टू प्लॉट है, इजी टू यूज है। तो अगर ज़ीरोधा में अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जाकर अकाउंट खोल सकते हैं। और उसके साथ साथ आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ऐड करने का मौका मिल सकता है जहां मैं अपनी पर्सनल नोटिफिकेशन डालता रहता हूं। अगर आप किसी और कंपनी में अकाउंट खोलना चाहते हैं, LSBlue, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, IIFL, तो ये कंपनीज की लिस्ट भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है, इनमें से भी किसी भी आप अकाउंट खोलते हैं तो भी आप मेरे प्राइवेट चैनल में, प्राइवेट ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने जहां ये आज का हमारा बॉटम रहा बैंक निफ्टी का, और इसको हम बॉटम बना देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बोल्ड लाइन करते हैं, 35,160 के नीचे बैंक निफ्टी अभी तक नहीं गई है। ये कल 12 जुलाई को इसने बॉटम बनाया था और यहीं से कल की जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की वो थी 35,285 के आसपास की, ठीक है, 35,285 के आसपास की कल की क्लोजिंग थी, इसको मार्क कर देते हैं, ये हमारी कल की क्लोजिंग थी 35,340 के आसपास पकड़ लीजिए। और यहाँ से बाजार ने पूरा एक गैप दिया, 340 के आसपास का ही गैप ने गैप देना था बैंक निफ्टी ने, और मैंने आपको पहले भी कहा था 35,344 के आसपास का एक ब्रेकआउट लेवल है, ये मैं लगातार लाइव सेशन
सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ गाइज, इसको आप देख सकते हैं ये भी चेंज नहीं हुआ है, तो प्लीज लाइव सेशन में आया कीजिए। आज थोड़ा सा टाइट शेड्यूल है तो इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए मैं, वरना हम इसमें लाइव जरूर मिलते हैं। कोशिश करें कल टाइम मिलेगा तो कल दिन में भी 2:30 बजे के आसपास लाइव मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना प्लीज, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि कुछ चीज़ मिस ना हो। नेक्स्ट पड़ाव क्या था, 532, और उसका अगला टारगेट था 721। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरा जो टारगेट 2 है वो अचीव होता ही होता है, स्विंग ट्रेडिंग का मेरा 90% मोर देन 95% टारगेट 2 अचीव होगा ही होगा, ये मेरा ट्राई टेस्टेड है, बैक टेस्टेड है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। मैं सब चीज़ें करने के बाद मैंने इस कैलकुलेटर को आपके लिए बनाया, कैलकुलेशन आपके लिए बनाई है। 35,721 का मेरा लेवल था जो टच होना चाहिए था, और आज बैंक निफ्टी का जो हाई पकड़ के बैठे हैं तो यहाँ से एक झटके से ये हाई पकड़ लेते 35,817, उसको भी क्रॉस कर दिया। तो बाजार ने अब क्या किया, 35,817 के बाद आने के बाद में यहाँ पे क्लोजिंग आई है 35,740 की। 35,740 की अगर क्लोजिंग आती है तो 35,721 खाली 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा बनता है। जो स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल करना चाहते हैं 35,721 का मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, इसके नीचे निकलता है बाजार से एक तरफ हो जाइए, वापस बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करती है, फिर बाय कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 35,721 का, और अगला टारगेट रहेगा 35,910 के आसपास का, कम से कम 36,000 को भी हम यहाँ पार करता हुआ देख सकते हैं, बशर्ते अब जो फाइनल जो मंदी आनी है या इसमें जो कोई करेक्शन आनी है 35,344 के नीचे ही आएगी, उसके नीचे नहीं आएगी। ये जो लेवल है, ये जो जोन है, इस जोन को अच्छा खासा वॉल्यूम से ब्रेक करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को एक फॉल देने के लिए। अगर इसको हम डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि डेली चार्ट पे भी 35,000 का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत ही मेजर लेवल है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस एरिया, बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया को इसने क्रॉस किया है, करने की कोशिश की है, अच्छी क्लोजिंग इसने दी है, अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम भी इसमें अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और पिछले 5-7-8 दिनों में देखें तो पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेशंस में से 5 सेशंस में अच्छी खासी बाइंग ही देखने को मिल रही है, और इंक्रीमेंटल बाइंग है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अपना जो बॉटम है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते दिखाई दे रही है, जो हाई है उसको भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे एक साइन थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी हम इसके लिए भी अपना सकते हैं। चलिए अब जो हमारे मेजर स्टॉक है, जो निफ्टी मूवर रहते हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसको एक बार देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने आपको लाइव सेशंस में कहा है कि आप 2070 के आसपास में बाय कर सकते थे, हमारे एक व्यूअर ने 2140 के आसपास उसको बाय करके रखा हुआ था, उस व्यूअर को हमने कहा था कि 2070 के आसपास उसको बाय कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी उस लेवल पर अटके थे, और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली जो लेवल बनाया है वो 2070 के आसपास का ही लो लगाया। देखिए इससे बड़ा कोई एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, 2070 का ही लो लगा है 2068 के आसपास का, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने फिर से रिलायंस ने अच्छी खासी एक चाल दे दी, और यहाँ पे आज का जो हाई रहा वो 2100 के आसपास का हाई रहा, ठीक है ना, 2102 के आसपास का हाई रहा है। तो 2070 से 2100 रुपये 30 पॉइंट, मतलब 30 पॉइंट्स का आपको नीचे से देखने को मिले हैं। और रिलायंस में जो मेन सपोर्ट था वो भी यही था, देखिए 2070 से ही मेरा बाउंस ब्रेक था जो मैंने आपको कहा था, इसके नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अब कल के लिए फिर ब्रेकडाउन लेवल जो रहेगा, ब्रेकआउट लेवल जो रहेगा 2116 के आसपास रहेगा, इसके ऊपर अगर रिलायंस चलता है विद वॉल्यूम्स तो 2160 की तैयारी आप कीजिए, उसके ऊपर चलेगा तो 2200-2300 तक के लिए रिलायंस निकलेगा। बार बार कह रहा हूँ मेजर सपोर्ट है 2070 के बीच में, 2070 का मेजर सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर जिसको मेंटेन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से हम अच्छे भाव इसमें रिलायंस के देखने वाले हैं। अगर ये ब्रेक होता है 2070 के आसपास का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम फिर थोड़ा एक मंदी की शुरुआत देख सकते हैं रिलायंस के अंदर, करेक्शन की शुरुआत देख सकते हैं रिलायंस के अंदर में, और उसके बाद ही फाइनल जो लो टूटना चाहिए वो जब तक 1900 नहीं टूटता रिलायंस एक नेगेटिव टेरिटरी में जाके नहीं बैठेगा। अब जो रेंज है, जो रेंज ब्रेकआउट होनी चाहिए रिलायंस की, वो 2200 के ऊपर में रेंज ब्रेकआउट होगी, उससे पहले रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी। 2200 के ऊपर निकलेगा फिर आप इस स्टॉक को नहीं पकड़ पाएंगे, फिर बहुत ही बढ़िया रैली दे देगा। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो लोग इसको चार्ट पैटर्न को समझते हैं तो मैं आपको समझा दूं, बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न इसमें बनता दिखाई दे रहा है। और एक सेकंड, अगर रिलायंस का देखा जाए चार्ट पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है तो ये आपको क्लियर दिखाई देगा, रिलायंस का एक बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको कुछ लोग फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है ना, और फ्लैग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न की शुरुआत होती है। और यहाँ जिस दिन इसको ये ब्रेकआउट देगा, देखिए 2160 के ऊपर में ब्रेकआउट, इसका फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आना चाहिए, और फिर रेजिस्टेंस जो रहेगा 2200-2250 के आसपास का रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद कहा जाता है कि जितनी मूव यहाँ आती है उतनी मूव आगे भी आ जाती है। रिलायंस एक दिग्गज कंपनी है, अपने डेट खत्म कर चुकी है, बहुत ही बड़ा वर्सेटाइल पोर्टफोलियो इस कंपनी का, ये कंपनी टेक्सटाइल में, ये कंपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर में, ये कंपनी रिटेल के अंदर में है, ये कंपनी फाइनेंस के अंदर में, ये कंपनी
टेलीकॉम के अंदर में है, ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है जो रिलायंस नहीं पकड़ रही है। ये कंपनी का गूगल के साथ टाइप है, बहुत सारी ऐसी कंपनी के साथ इसका टाइप है, सऊदी अरेमको के साथ इसकी डील कभी भी मैच्योर हो सकती है। तो इस कंपनी के अंदर में आप लॉन्ग टर्म के लिए एक व्यू ले सकते हैं, बहुत ही शानदार कंपनी है। अच्छे ब्रेकआउट्स की वेट कीजिए, अच्छे स्टॉक्स की वेट कीजिए, ऐसे स्टॉक्स काम आते हैं। गाइस उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ होगा, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, कल का सेंटीमेंट आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। कुछ और अपडेट रहा तो किसी शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको फिर से यूट्यूब पे मैं अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखिए और अपनी कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।